देखिए क्वेश्चन कह दिया है कि प्रस्तावित रोड का मृदा कार्य ज्ञात करिए। निर्माण तल की चौड़ाई कितना दे रहा है 10 मीटर, पार्श्व ढाल कितना दे रहा है 1.5 × 1.5 क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और समझिएगा और क्या दे रहा है, स्टेशन दे रहा है, चयनित डिस्टेंस दे रहा है और मृदा की गहराई दे रहा है। अब देखिएगा इसका, इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिला था, समझिएगा जो इसके पहले हम एग्जाम्पल दिए थे क्वेश्चन का क्या मिला था, सिर्फ 2 पॉइंट मिला था, क्या मिला था आपको, यहाँ की गहराई आपको पता था, इस पॉइंट की गहराई पता था, और किस पॉइंट की, इस पॉइंट की, यही दो गहराई आपको पता था और दो भिन्न भिन्न गहराई था उसका हम न्यूमेरिकल लगाए थे। लेकिन देखिए उसमें कह सकते हैं 2 स्टेशन था, एक स्टेशन यहाँ था और एक स्टेशन यहाँ, लेकिन इसमें कितने स्टेशन है 4 स्टेशन, इसमें कितने स्टेशन मिल रहे हैं आपको 4 स्टेशन मिल रहे हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये पहला स्टेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पहला स्टेशन, इसी में मिलेगा आपको दूसरा स्टेशन, ठीक है, इसी में मिल जाएगा आपका तीसरा स्टेशन। अब इन 3 गहराई यानी 3 स्टेशन दिया है, समझिए, और क्या दिया है 4 स्टेशन, और यहाँ चयनित डिस्टेंस 0 0, यहाँ का चयनित डिस्टेंस 30, यहाँ का 60, यहाँ का 90, यानी जब 30 मीटर जरीर से माप रहे हैं तो देखिए 30 यानी सबके बीच का दूरी कितना है 30 30 मीटर, है ना, सबके बीच की दूरी कितना है 30 30 मीटर। अब समझते हैं यहाँ की गहराई यानी प्रथम स्टेशन की गहराई कितना है 1.4 है, कितना 1.4 है, सेकेंड स्टेशन की गहराई कितना है 1.19, थर्ड की गहराई कितना है 1.07, फोर्थ की गहराई कितना है 0.68, ठीक है। देखिए यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है गहराई मृदा भराव की गहराई क्या हो रही है कम होती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है गहराइयाँ कम होती जा रही है। अब आपको दिख सकता है कितना आपको खंड मिला है, देखिए 1 स्टेशन 2 स्टेशन इन दोनों का एक खंड यहाँ मिलेगा, इन दोनों का एक खंड यहाँ, इन दोनों का एक खंड यहाँ, यानी 3 खंड हमको मिला है, 3 सेक्शन मिला है, तो इन दोनों यानी पहले दूसरे सेक्शन का एवरेज लेकर इसमें कैलकुलेट करेंगे, दूसरे तीसरे का इसमें, तीसरे चौथे का इसमें, यानी इसका एक क्वांटिटी हमको निकालना है, तो इसको निकालना बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला पता है, कैसे पता है, BDm + SDm का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका यल, यहीं से तो वॉल्यूम वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखिए अब बी आपको पता है हर जगह की चौड़ाई 10 मीटर, यस भी पता है आपका डेढ़ है, लेकिन डीएम क्या है, डीएम प्रत्येक का लेके इन दोनों का गहराई लेके एवरेज निकालेंगे, फिर इन दोनों का गहराई लेके एवरेज, इन दोनों का गहराई लेके एवरेज निकालेंगे तो हमको डीएम मिल जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको है प्रॉपर एक सारणी बनाएंगे और सारणी के थ्रू हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं इसका सारणी, देखिएगा सारणी बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है फार्मूले को, सारणी बनाने से पहले क्या ध्यान रखना है हमको फार्मूला, समझिए हमको क्या दिया है, चौड़ाई मिला है हमको 10 मीटर, चौड़ाई कितना मिला है आपको, चौड़ाई मिला है हमको 10 मीटर, और यस स्लोप कितना मिला है डेढ़ संबंध है 1, यही ना है डेढ़ संबंध 1 हमको मिला हुआ है। अब हम सारणी बनाएंगे किस नियम से, हम कर रहे हैं मीड डेप्थ मेथड, किस मेथड से, मीड डेप्थ मेथड है, रोड एस्टिमेट निकालने की 2 मेथड हमको पढ़ना है, मीड डेप्थ मेथड और मीन सेक्शनल एरिया मेथड। चलिए मीड डेप्थ का हम बनाते हैं सारणी, देखिएगा लाइन खींचिए, ठीक है, देखिए एक क्या हो गया आपका स्टेशन, एक क्या हो गया आपका स्टेशन, यहाँ क्या लिखेंगे चयनित डिस्टेंस सीटी हम लिख दे रहे हैं, चयनित डिस्टेंस 3 इसी को उतार देना है, उसके बाद लिखना है डेप्थ, क्या लिखेंगे हम डेप्थ यानी स्मॉल डी, ठीक है, क्या मिल गया आपको डेप्थ मिल गया, उसके बाद क्या मिलेगा हमको मीन डेप्थ, मीन डेप्थ यानी डीएम, क्या मिल जाएगा आपको डीएम, उसके बाद देखिए फार्मूले में क्या मिला बी डीएम, क्या लिखेंगे बी डीएम, उसके बाद समझिए उसके बाद लिखेंगे यस डीएम का स्क्वायर, यस डीएम का स्क्वायर, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा बी डीएम प्लस यस डीएम का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है हमको लंबाई से हम गुणा करेंगे, लिखेंगे लेंथ, यहाँ क्या मिल जाएगा हमको वॉल्यूम, है ना, क्या मिल जाएगा वॉल्यूम, जबकि वॉल्यूम का हम लोग फार्मूला जानते हैं
बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यार, यही क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो देखिए बी डी एम एस डी एम स्क्वायर यहाँ मिल गया, लेंथ से गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है चलिए करते हैं। देखिए स्टेशन एक दो तीन चार, चार स्टेशन मिला आपको। ठीक है देखिए एक दो तीन चार, चेंजेस डिस्टेंस कितना मिला जीरो, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका तीस, साठ, यहाँ कितना मिला नब्बे। ठीक है यहाँ की गहराई कितना मिला है एक दशमलव चार एक, यहाँ की गहराई एक दशमलव एक नौ, यहाँ की गहराई एक दशमलव जीरो सात, और यहाँ की गहराई कितना मिला है दशमलव छः आठ। अब समझते हैं डीएम, अब इन दोनों का क्या निकालना है हमको, एवरेज निकालना है। समझिएगा इन दोनों को क्या निकालना हमको, एवरेज निकालना है। तो इसका तो एवरेज कहीं से निकलेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्ट डाटे एक चला जाएगा खाली स्थान। अब समझिएगा इन दोनों का हम जोड़ेंगे और दो से भाग देंगे, यानी क्या करना है हमको एक दशमलव चार एक प्लस एक दशमलव एक नौ जोड़िए और भाग कर दीजिए दो से, कितना रहा एक दशमलव तीन है ना भाई। डीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, डीएम देखिए डीएम क्या होता है डी वन प्लस डी टू बाई टू, तो यहाँ का डी वन यहाँ का डी टू बाई टू क्या मिल गया आपका डीएम मिल गया। अब इसका इसका जोड़ के भाग देंगे क्या हो जाएगा एक दशमलव एक नौ प्लस एक दशमलव जीरो सात भागा हो जाएगा दो आ जाएगा एक दशमलव एक तीन। ठीक है अब इन दोनों का जोड़ के भाग देंगे दो से, एवरेज निकालना है एक दशमलव जीरो सात प्लस एक दशमलव जीरो सात प्लस दशमलव छः आठ भाग गए तो यानी दशमलव आठ सात पाँच आ गया। ठीक है आपको समझ आ रहा होगा पहले में क्या किया है, समझिएगा यहाँ क्या किया है एक दशमलव चार एक प्लस एक दशमलव एक नौ बटे दो किए हैं आ गया एक दशमलव तीन, यहाँ क्या किए हैं एक दशमलव एक नौ प्लस एक दशमलव जीरो सात बाई टू किए हैं तो आया है एक दशमलव एक तीन, यहाँ क्या किए हैं एक दशमलव जीरो सात प्लस दशमलव छः आठ बाई टू किए हैं तो आया है दशमलव आठ सात पाँच, ये क्या निकालते हैं डीएम। ठीक है यहाँ से क्या निकालते हैं हम डीएम निकाल रहे हैं, आपको समझ आया होगा दोनों का एवरेज लिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए बी डीएम, तो बी आपको पता है दस मीटर और डीएम में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका तेरह, एक कितना आ जाएगा ग्यारह दशमलव तीन, ए आ जाएगा आठ दशमलव सात पाँच, कितना आ जाएगा आठ दशमलव सात पाँच। अब समझिए अब क्या चाहिए आपको यस डीएम का स्क्वायर। ठीक है यस डीएम का स्क्वायर तो यस कितना है डेढ़, यानी एक दशमलव पाँच गुणे डीएम कितना है एक दशमलव तीन का स्क्वायर है ना, एक कितना हो जाएगा एक दशमलव पाँच गुणे एक दशमलव एक तीन का स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा एक दशमलव पाँच गुणे दशमलव आठ सात पाँच का स्क्वायर। ठीक है यस देखिए यस हो गया डीएम, डीएम एक दशमलव तीन का स्क्वायर, एक दशमलव एक तीन का स्क्वायर, दशमलव आठ सात पाँच का स्क्वायर, कितने कितना आ रहा है एक दशमलव एक तीन गुणे एक दशमलव एक तीन गुणे आ जाएगा एक दशमलव पाँच आ रहा है आपका एक दशमलव नौ एक, इसका आ जाएगा आपका एक दशमलव नौ एक, बस एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। अब समझते हैं एक दशमलव एक तीन, एक दशमलव एक तीन गुणे एक दशमलव एक तीन गुणे एक दशमलव पाँच, एक दशमलव तीन गुणे एक दशमलव तीन गुणे डीएम ए है ना गुणे एक दशमलव पाँच आ जाएगा आपका दो दशमलव, इसका आ जाएगा आपका दो दशमलव पाँच तीन पाँच। इसका देखते हैं एक दशमलव एक तीन गुणे एक दशमलव एक तीन गुणे एक दशमलव पाँच कितना जाएगा एक दशमलव नौ एक। ठीक है एक दशमलव नौ एक इसका कितना आ रहा है देख रहे हैं दशमलव आठ सात पाँच, दशमलव आठ सात पाँच गुणे दशमलव आठ सात पाँच गुणे एक दशमलव पाँच, ठीक है ना डीएम कितना है इसका दशमलव आठ सात पाँच आ रहा है एक दशमलव एक चार, एक दशमलव एक चार आठ इतना आ रहा है आपका यस डीएम का स्क्वायर। अब क्या करना है हम दोनों को जोड़ना है, देखिए बी डीएम प्लस यस डीएम स्क्वायर को जोड़ देंगे तो तेरह प्लस दो दशमलव पाँच तीन पाँच, दो दशमलव पाँच तीन पाँच आ जाएगा आपका पंद्रह दशमलव पाँच तीन। ठीक है एक कितना आ जाएगा ग्यारह दशमलव तीन प्लस एक दशमलव नौ एक कितना आ जाएगा तेरह दशमलव दो एक, कितना आएगा तेरह दशमलव दो एक
ठीक है, इसको देखते हैं, इसको 8.75 प्लस 8.75 प्लस 1.148, 8.75 प्लस 1.148 आ जा रहा है आपका 9.89। अब समझिए दूरी कितना है, प्रत्येक के बीच की लंबाई कितना है, 30-30 मीटर है ना, प्रत्येक के बीच देखिए, इसके बीच की लंबाई 30, इसके भी 30 और इसके भी 30। अब क्या करेंगे हम, अब वॉल्यूम निकालने के लिए BDM प्लस HDM स्क्वायर आपको मिला है, लेंथ भी आपको मिल गया, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15.53 गुणे 30 कितना गया 465.9। अब इसको मिटा सकते हैं हम, ठीक है 465.9 आ गया। उसके बाद इसका कितना रहा 13.21 गुणे 30 कितना गया 396.3, इसका कितना आ रहा है 9.89 गुणे 30 296.7। अब तीनों को क्या करेंगे जब ऐड कर देंगे, कर दे रहे हैं प्लस 396.3 प्लस 465 1158.9। तो देखिए एक क्वेश्चन था आपका, सिंपल ही क्वेश्चन था आपका, रोड का बहुत लंबी क्वेश्चन जाता है, जिसमें स्टेशन 4 था और सेक्शन कितना मिला था हमको 3 मिला था, उसको हम किस मेथड से किए हैं, मिड डेप्थ मेथड से। अगला इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किस मेथड से करेंगे, मीन सेक्शनल एरिया मेथड से, या फिर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वो मीन सेक्शनल एरिया मेथड से करेंगे, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा मिड डेप्थ मेथड, अगला क्वेश्चन मिड सेक्शनल एरिया मेथड से करेंगे, इसको आप मीन सेक्शनल एरिया मेथड से कर लीजिएगा, अगला हम मीन सेक्शनल एरिया मेथड से करेंगे उसको आप मिड डेप्थ मेथड से कर लीजिएगा, आंसर लगभग में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए।